अगले साल रिलीज के लिए तैयार पैडमैन और 2.0 के बीच किसी भी तरह के टकराव से इनकार करते हुए अक्षय कुमार ने स्पष्ट कर दिया है कि लोग इस बात को लेकर किसी गफलत में न रहें कि ये दोनों फिल्में एक ही दिन रिलीज होंगी। हालांकि अक्षय ने एक बात कहकर ये सस्पेंस जरूर बढ़ा दिया है कि उस दिन कौन सी फिल्म रिलीज होगी। दरअसल पिछले दिनों अक्षय कुमार के एक ट्वीट कर लोगों को चौंका दिया था, जब उन्होंने घोषणा की कि उनकी फिल्म पैडमैन अगले साल 26 जनवरी को रिलीज होगी। काफी समय से इस तरह की खबरें थी कि रजनीकांत और खुद अक्षय कुमार स्टार फिल्म 2.0 भी 25 जनवरी 2018 को रिलीज हो रही है, तो ऐसे में टकराव होगा क्या? लेकिन ये तो सभी जानते थे कि ऐसा होने की दूर दूर तक संभावना नहीं है, क्योंकि इस बात के पहले ही संकेत मिल गए थे कि अक्षय और रजनी की फिल्म अप्रैल में रिलीज होगी। इस बीच अक्षय कुमार ने मिडडे अखबार को दिए एक इंटरव्यू में स्पष्ट कर दिया कि उस दिन 26 जनवरी सिर्फ एक ही फिल्म रिलीज होगी। अक्षय ने कहा, मैं ऐसा क्यों करूंगा, वो भी तो मेरी ही फिल्म है। उस दिन या तो पैडमैन रिलीज होगी या 2.0। अक्षय ने ये भी कहा कि पैडमैन उनकी फिल्म है और वो प्रोड्यूस भी कर रहे हैं, जबकि 2.0 निर्देशक शंकर, रजनीकांत और लायका प्रोडक्शंस की फिल्म है जिसमें वो विलेन के रोल में हैं। अब उनको ही तय करना है कि क्या वो रिपब्लिक डे के मौके पर अपनी फिल्म रिलीज करना चाहते हैं या नहीं। यदि वो ऐसा करते हैं वो मैं अपनी फिल्म पैडमैन की रिलीज डाल दूंगा, और अगर वो उस दिन फिल्म नहीं रिलीज करेंगे तो पैडमैन तयशुदा समय पर ही आएगी। अक्षय कुमार की पैडमैन सस्ते सैनिटरी नैपकिन बनाने वाले आदमी की असली कहानी पर आधारित है, जबकि 2.0 रजनीकांत की ही फिल्म रोबोट का सिक्वल है। हाल ही में दुबई में 2.0 का भव्य म्यूजिक लॉन्च हुआ था। इस महीने फिल्म का टीजर और दिसंबर में चेन्नई में ट्रेलर लॉन्च करने की योजना है, लेकिन अगर फिल्म की रिलीज आगे बढ़ी है तो इवेंट्स रीशेड्यूल हो सकते हैं। बताया जाता है कि इस फिल्म का बजट करीब 400 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है।